लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Bye.
कायम रहे हमेशा, मेरा कायम रहे हमेशा, मेरा कायम रहे हमेशा। हमला शस्त्र संभालो, आचार्य रुद्र को संदेशा भेजो, जल्दी चलो। खत्म कर दो इन सूर्यांशियों को, एक भी सूर्यांशी बच ना पाए। नेस्त तो नाबूद कर दो सूर्यांशियों के इन ठिकानों को। सूर्यांशियों का खात्मा होना चाहिए आज। तमराज कलविश का आतंक मचा दो। सूर्यांशों के गुप्त स्थान से शक्तिपुंज का लुप्त हो जाना अनिष्ट की चेतावनी दर्शाता है। आचार्य, हमारी शंका निराधार नहीं थी, कहीं महागुरु किसी गहरे षड्यंत्र में तो नहीं फंस गए? आचार्य, सूर्यांशी दीर्घजीवी, सूर्यांशी दीर्घजीवी, ये तुम्हारी दशा किसने की? ये कोलाहल कैसा है? आक्रमण, किलविश ने आक्रमण कर दिया है आचार्य। क्या? उसके साथ ही हमारे स्त्री और बच्चों को बड़ी निर्दयता से मार रहे हैं। हमारी पवित्र भूमि रक्त से लाल हो रही है। उसकी रक्षा करो आचार्य, रक्षा करो।
हमें उनके आक्रमण का उचित उत्तर देना ही होगा। चलो ये समय सोचने का नहीं है, इनके हथियार उठा लो। कभी भी पराजित नहीं हो सकता। मेरा कायम रहे हमेशा। सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो। धन्यवाद आचार्य रुद्र। सत्य तुम्हें अपनी दृष्टि के सामने ये पाप नहीं होने देगा तमराज किलमिश। पाप तो हमेशा सच की नजरों के सामने से होता आया है, मगर आज से मायना बदल जाएगा सच्चाई का। आज से पाप ही दुनिया की सच्चाई होगी और मिटना होगा रोशनी की हर उस किरण को जो अंधेरे को कम करती है। सत्य यही है तम्राज, जय सदैव सत्य की ही होती है। यदि मिटता है तो झूठ, पाप और अंधकार। तुम्हें भी मिटना होगा तम्राज, तुम्हें भी मिटना होगा। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। यकीनन इस दुनिया में अंधेरा कायम हो गया जो तमराज किलमिश का मकसद था। इन सूर्यांशियों के खात्मे के बाद अंधेरा कायम हो गया हमेशा हमेशा के लिए। अंधेरा कायम हो गया हमेशा के लिए। अंधेरा कायम हो गया। नहीं तमराज, नहीं तमराज, ये मत समझना कि तुमने हमें मारकर सारे सूर्यांशियों को मार दिया है।
अभी बहुत से सूर्यांशी जीवित हैं, जो संसार में फैले हुए हैं, वो संसार में सच्चाई को जीवित रखेंगे। हाँ तमराज, अभी शक्तिमान जीवित है, उसका जन्म तुम्हारी विनाश के लिए हुआ है। वो अंधेरे को कभी कायम नहीं होने देगा, उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शक्तिमान शक्तिमान। तुम चलो मेरे ग्रह के सैनिक थे जिन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया था। दरअसल वो मुझे पकड़ने आए थे रूलू ग्रह वापस ले जाने को, मगर तुम उनके रास्ते में बाधक बन गए, इसलिए उन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया। मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने ही तुम्हें अंतरिक्षयान में खींच लिया था शक्तिमान। मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहीं ये गिलविश की कोई नई चाल तो नहीं? इसके मस्तिष्क में झूठ का संकेत नहीं है। मेरे दिमाग में छिपी हुई बातों को पढ़ रहे हो? हाँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारी शक्तियों के बारे में मैं एक रूहाक्षी से सुन चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से रुआक्षिनों को अपनी खोई हुई भावनाएं वापस मिली थी। उस समय इस खबर की चर्चा सारे ब्रह्मांड में हुई थी और ब्रह्मांड के लोगों ने तुम्हें जाना था, इसीलिए पृथ्वी पर मैं तुम्हारी मदद। मगर कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ये लो। ये क्या है? यही तो जानने में पृथ्वी पर आई थी कि इसमें ऐसा क्या है, ऐसे कौन से अपराध की कहानी इसमें छिपी है जो पृथ्वी पर मेरी माँ ने किया था। तुम्हारी माँ और पृथ्वी पर? शक्तिमान अपने